अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जूनियर यूपीटेट जूनियर एस्टेट की कहानी क्या है। यहाँ पर केवल जो बीएड के अभ्यर्थी हैं ये उनके लिए है, और उनके लिए भी मैं बता दूं क्योंकि अभी तक जो जूनियर में शिक्षक भर्ती हुआ करता था, अभी जो जूनियर में ऐसा समझिएगा जो जूनियर में शिक्षक भर्ती हुआ करता था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिक्षक भर्ती होती है एडेड विद्यालय में होती है, शिक्षक भर्ती तो ये एडेड विद्यालय में होता था। तो एडेड विद्यालय में जो होता था मैनेजमेंट करता था, लेकिन माननीय सरकार ने अब से खुली भर्ती के माध्यम से परीक्षा कराने का फैसला लिया है। जब से एनसीटी की गाइडलाइन आई है, एनसीटी गाइडलाइन आने के बाद जब ये बात स्पष्ट हो चुका है कि भैया इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बात आप लोग भी समझ लीजिएगा कि जो प्राइमरी में केवल बीटीसी डीएलएड है उनको मौके कम है, लेकिन जूनियर वालों के पास मौके ज्यादा है, लेकिन जूनियर में सुपर मतलब जूनियर शिक्षक भर्ती कम आती है। इसको ध्यान में रखते हुए अब माननीय सरकार ने, आपने भी देखा होगा नई शिक्षा नीति में भी इसका जिक्र किया गया है, और जहां पर एकदम नई शिक्षा नीति के साथ साथ जो नया ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ नया शिक्षा सेवा चयनों का, वहां पे भी कहीं ना कहीं आपने देखा एकदम साफ स्पष्ट नजर आ रहा कि भैया अब जूनियर में भी भर्ती आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया होगी ये देखिए कितने आधार पर होती है। यहाँ पर जो जूनियर का टेट होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सीडीपी, यहाँ पर भी 150 प्रश्न होते हैं, और यहाँ पर भी जो प्रश्न परीक्षा का पैटर्न बनने वाला है वो 150 प्रश्नों का ही बनने वाला है, 150 प्रश्न का ही बनेगा। अंकों की संख्या हम एक एक में ही मानकर यहाँ पर बात करेंगे, एक एक अंक के ही प्रश्न होंगे 150 प्रश्न 150 मिनट के, लेकिन यहाँ पर जो है वो पांच सेशन होता है। पहला जैसे अगर हम बात करें तो सीडीपी होगा, सभी के लिए कॉमन है 30 नंबर का। यहाँ पे सीडीपी का कोई रोल नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सीडीपी का अब कोई रोल नहीं है, यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर सीडीपी का कोई रोल नहीं है। दूसरी में बात करूं भाषा, भाषा दो है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट भी आपके 30 हैं और सेकंड भी आपके 30 हैं, लेकिन यहां पर जो भाषा आप लेंगे समझने का प्रयास करिएगा, जो भी भाषा चयन करेंगे जैसे हो सकता आप हिंदी हो सकता आप अंग्रेजी हो सकता आप संस्कृत से, तो किसी एक भाषा में यहां पर आपको 30 प्रश्न आएंगे, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर इस प्रश्न से इस भाषा से 100 प्रश्न बनने वाले हैं। कितने? 100 प्रश्न। मतलब यहां पर जो जूनियर शिक्षक भर्ती होगी जो होगा ये दो भागों में पेपर डिवाइड होगा, भाग फर्स्ट में 50 और भाग सेकंड में होंगे 100। तो यहां पर एक बार समझ लीजिएगा जो यहां पर 30 नंबर की भाषा पढ़ेंगे वो यहां पर आपको हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जिसका जो है मैं समझिएगा हिंदी वाला हिंदी संस्कृत वाला संस्कृत अंग्रेजी वाला अंग्रेजी वो वहां पर केवल केवल 100 नंबर आएंगे। ठीक, अब तीसरा जो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो जो हो गया भाषा इसमें फर्स्ट सेकंड हो गया तो दो सेक्शन बढ़ गया। अब जो तीसरा सेक्शन में बात करने जा रहा हूं वो है आपका जैसे SST हो गया या आपका साइंस मैथ। अब साइंस मैथ से समझिएगा यहां पे SST वालों को 100 प्रश्न, मैथ साइंस वालों को 100 प्रश्न, माने जो गणित विज्ञान या 60 नंबर था यहां पे कितना था 60 नंबर था, SST को भी 60 नंबर था और साइंस को भी 60 नंबर था, साइंस और मैथ वालों को 60 नंबर, यहां पे आपको 100 नंबर पढ़ना है। अब यहां पर इसके अलावा आपको पढ़ना है जो 50 नंबर है, तो 50 नंबर जो यहां पर है ना ध्यान दीजिएगा जो सेक्शन फर्स्ट है ये GS GK विविध हो, ये हो गया आपके 50 नंबर, इसमें रीजनिंग के भी सवाल आ सकते हैं, तर्क शक्ति विषय में आ सकता है। तो हमने देखा कि जो भी अभ्यर्थी बीएड के अभ्यर्थी हैं वो GS GK विविध करंट पर फोकस करें, 50 नंबर आएगा, उसके बाद वो अपने भाषा पर फोकस करे, भाषा हिंदी वाले हिंदी पर, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पर, संस्कृत वाले संस्कृत पर, SST वाले SST पर फोकस करे। SST में भी देखिए कुछ लोग कहना होगा सर क्या इसमें SST इस तरह से होगा जैसे भूगोल का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, ज्योग्राफी मतलब अलग अलग, नहीं ऐसा नहीं है। आप यहां पर 6 से 8 के लिए जो सामाजिक विज्ञान होती है इतिहास भूगोल और NCERT में राजनीति, तो यहां पर NCERT को चाहे तो फोकस करें, और आप इसमें जो पढ़ना है ना वो NCERT को ही फोकस करें, चाहे आप BTC का अभ्यर्थी हैं चाहे BED के अभ्यर्थी हैं, हमेशा एक बात का याद रखिएगा ध्यान रखिएगा कि हमेशा आप NCERT को इस समय फॉलो करें, क्योंकि अब सामने भर्ती नहीं है, तो जब सामने भर्ती नहीं होगी तो आप NCERT पढ़ लीजिए, क्योंकि NCERT एक बार अगर आपने क्लियर कर लिया आने वाले हर भर्ती में आपके रास्ते खुल जाएंगे।
अगर आपको एनसीईआरटी की नोट्स, कुछ लोग एनसीईआरटी की नोट्स की बात करें, एनसीईआरटी की नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिए। जैसे ही लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहां पे आपको पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वहां पे आप पढ़ सकते हैं 6 से लेकर, बाद में खुद पढ़ता हूं जब मैंने एनसीईआरटी लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल किया है, 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी है। जल्दी इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होने वाली है, जल्दी आपको इसकी पीडीएफ भी एनसीईआरटी की उपलब्ध होने वाली है और मिल जाएगी। एनसीईआरटी की रेगुलर क्लासेस आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिलने वाली है। जी हाँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ध्यान से अपने पास सेव कर लें। आने वाले समय में कल से, मतलब डेली मिल रही है, आज भी मैंने अपलोड किया, कल डेली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की रेगुलर क्लास। इस समय हिस्ट्री चल रही है, अगर चाहते हैं हिस्ट्री का अलावा भी अगर कोई विषय तो आप कॉमेंट करिएगा, वहां पर मैं फोकस करूंगा। तो जो बीएड के अभ्यर्थी है वो जीएसजी के विविध पढ़ते रहे, अगर आप अभी तक सुपर टेट में पढ़े थे तो बाहर नहीं गया था, उसके साथ साथ आप अपने को मान लीजिए एसएसटी पे जाएंगे या मैथ साइंस के अभ्यर्थी हैं तो उस पर भी आप फोकस करिए। और उसी के साथ साथ आप सुपर टेट की भी तैयारी, यूपी टेट भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैथ साइंस वाले मैथ साइंस पढ़ें, यहां पर उनके काम आएगा, एसएसटी वाले थोड़ा बढ़ाकर पढ़ेंगे, एसएसटी 100 नंबर का होने वाला है, लेकिन विविध आपको सभी को पढ़ना है। सीडीपी यहाँ आएगा लेकिन सीडीपी यहां पर नहीं होगा। तो ये पूरा जो ग्राफ था वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पर, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर, आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं टेलीग्राम पर, सभी क्लास की नोट्स, वीडियो लेक्चर आपको मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए कोई निःशुल्क क्लास शुरू करूं तो आप इसमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, जहां पर सभी क्लास की नोट्स आपको यहां पर निःशुल्क यहां पर मिलती रहेगी, या आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपको जरूरत पड़े। तो यहां पर मैंने पूरा जो था वो एकदम समझा दिया, पूरा स्पष्ट करके बता दिया। अब एक बार आपने आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट भी ले लेता हूं, क्योंकि जूनियर के अभ्यर्थियों को बार बार ये था कि सर क्या जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी कुछ होने वाला है, तो यहां पे मैंने एकदम साफ और स्पष्ट बता दिया कि जो जूनियर के बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए पूरी भूमिका है। जीएसजी के विविध आपको पढ़नी, सभी के लिए कॉमन होने वाला है, और जो 100 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे, तो आप विषयवार भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी आपको जो कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, इस वीडियो में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा पेज को, लाइक करने के साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। इस वीडियो को जहां भी कहीं देख रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर इंसान तक पहुंचेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है जो बीएड का अभ्यर्थी घबराए हुए हैं, सर मेरा क्या होगा, मैं तो कहीं का नहीं हुआ। आपके पास खंड शिक्षा अधिकारी है, आपके सामने पीजीटी की भर्ती आ रही है, आपके सामने कस्तूरबा गांधी आ रही है जो महिला अभ्यर्थी हैं, उसके साथ साथ नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय में भर्ती आ रही हैं, और हर साल टीजीटी पीजीटी अलग अलग राज्यों में भर्ती आ रही है, अलग अलग केंद्रीय भर्तियां हो रही हैं। तो घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, फोकस करिए, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन सिलेक्शन आपका भी होगा, बस हिम्मत मत हारिएगा। बेशक आने वाला समय बहुत सारे लोग होंगे ना जो इसमें कहते रहे नहीं पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, आप उनमें से नहीं है, आप सिलेक्शन वाले लोगों में से हैं, पर आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरी अंतरात्मा कहती है। आप अपना बेस्ट और बेहतर देते रहिए, क्योंकि रेस से घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े, और आपकी रेस सिलेक्शन से, ये नहीं अपने बीएड कर लिए तो अपराध के लिए, किसी ने बीटीसी कर लिए तो अपराध के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड करते समय आपने सोच लिया था कि आप पीजीटी पीजीटी देंगे, एलटी ग्रेड देंगे, इसीलिए आपने बीएड किया था, वरना आपके पास तो बीटीसी करने का मौका था, आप भी बीटीसी कर सकते थे, क्यों आपने बीएड का चुना? इसीलिए आपने चुना, आपने ये सोचा था कि हम हायर एजुकेशन में जाएंगे, हम माध्यमिक में जाएंगे, हम जूनियर में भी जाएंगे, और लगे हाथ प्राथमिक में भी अपना हाथ आजमा लेंगे। तो आप बीएड करते समय आपके मन में ये बात आई थी, जैसे मुझे मेरे सामने ऑप्शन था बीटीसी करूं या बीएड करूं, तो मैंने बीटीसी को चूज किया, आपने भी इसी तरह, आपके पास दो ऑप्शन थे बीटीसी बीएड, आपने बीएड को चूज किया, आपने अपराध नहीं किया है, आपको अपना बेस्ट और बेहतर देना है, आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। क्योंकि आने वाले समय में आपको बता रहा हूं नई शिक्षा नीति भी ये कह रही है कि अब जिस हिसाब से पदों की भर्ती हो रही है जूनियर में काफी पद रिक्त, जल्दी ही आपको जूनियर शिक्षक भर्ती में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। वैसे आपकी तैयारी जितनी बेहतर होगी उतना आपको, क्योंकि आप समय देख रहे हैं भर्ती आती है कम समय में, आपको तुरंत जाके सिलेक्शन लेना होता है, और बीच में जो गैप होती है टाइमिंग, वो गैप बहुत कम है। मतलब अगर आप देखेंगे समय 4 महीना 5 महीना 10 महीना, ऐसा गैप नहीं है। टीजीटी पीजीटी में 1 साल का गैप मिल गया ठीक है, लेकिन आने वाले भर्ती परीक्षाओं में 1.5 से 2 महीने का गैप मिलता है। उसमें तैयारी करेंगे, रिविजन करेंगे, क्या करेंगे, अपने वीक जोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रॉन्ग जोन को रिविजन करेंगे, ऐसा कोई मौका नहीं मिलने वाला। अभी आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिएगा, और ये कोशिश करिए एनसीईआरटी को फोकस करिए। एनसीईआरटी हर भर्ती की जाने की, आपने देखा इस समय जितनी परीक्षा हो रही है, चाहे वो केबीएस हो, डीएसएसबी हो, यूपी में कोई भर्ती आ रही हो, या बिहार की भर्ती हो, या आपने रीट में देखा, सभी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। और एनसीईआरटी की पूरी नोट 6 से लेकर 12 तक ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर है, और जो भी है वो जैसे टीजीटी पीजीटी अगर आप दे रहे हैं तो भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर केबीएस दे रहे तो एनसीईआरटी पढ़िए, डीएसएस भी दे रहे फिर भी एनसीईआरटी पढ़िए। पूरी नोट 6 से 12 तक ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पे है, जल्दी आपको पीडीएफ मिलेगा, पेज पर टेलीग्राम पे रहिएगा, हर
न्यूज जो होगी, कोई भी सूचना होगी, आपको वहां पे मिलती रहेगी। अब मैं आपके सभी सवालों के लाइव जवाब दे रहा हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा, बस धैर्य रखिए। थैंक यू।